अगर आपने कभी YouTube पर ऐसी डूडल वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा ऐसी वीडियोस YouTube पर कितनी ज्यादा पॉपुलर है। और मोस्टली ऐसी वीडियोस का यूज एक्सप्लेनर वीडियोस, डेमोंस्ट्रेशन वीडियोस, किड्स एजुकेशनल कंटेंट जैसी चीजों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जिससे कि कंटेंट को और भी ज्यादा इंगेजिंग बनाया जा सके। और अगर आपको YouTube पर इन वीडियोस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना हो तो आप ये कुछ चैनल्स देखिए जो मोस्टली ऐसे ही डूडल वीडियोस YouTube पर बनाते हैं, और वो भी अलग अलग कैटेगरी और टॉपिक्स। मोस्ट ऑफ दिस चैनल्स हैव मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एज यू कैन सी, और इनकी वीडियो पर व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं। अब इससे एक बात तो ऑब्वियस हो जाती है कि अगर इतने व्यूज आते होंगे तो ये चैनल्स पैसा भी अच्छा खासा बनाते होंगे। एब्सोल्युटली हर ऐसे चैनल्स जो लोगों के बीच में पॉपुलर हैं और अपना नाम बना चुके हैं, वो महीने का अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं एज पर सोशल ब्लेड, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप भी अपना खुद का एक ऐसा यूट्यूब चैनल डूडल वीडियोस का क्रिएट कर सकते हैं, और क्या इसके लिए आपके पास कोई प्रायर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का एक्सपीरियंस या नॉलेज होना जरूरी है? जी नहीं। अगर आप एक एब्सोल्युट बिगिनर भी हैं तो आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऐसी वीडियोस बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे अगर सब कुछ इतना ही इजी है तो हर कोई ऐसा चैनल क्रिएट क्यों नहीं कर लेता, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जो भी टूल्स की जरूरत होती है, जैसे कि डूडल मेकर या फिर डूडली, ये सारे टूल्स फ्री नहीं होते और इन्हें यूज करने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा स्पेंड करना पड़ता है शुरुआत में ही, जो कि एक नए चैनल के लिए स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता। तो आखिर फिर इसका सोल्यूशन कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस वीडियो में आपको ऐसी ही डूडल वीडियोस क्रिएट करना दिखाऊंगा एब्सोल्युटली फ्री में, जितनी चाहे उतनी वीडियोस अनलिमिटेड, और वो भी बिना एक भी रुपए खर्च किए 100% फ्री में, बिना किसी भी वाटर मार्क के। और ये सब कुछ हम करेंगे सिर्फ कैनवा को यूज करके, सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है canva.com पर, और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट अ डिजाइन में क्लिक करके आपको अपनी वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेना है। आप ये शॉर्ट्स, रील्स या लॉन्ग वीडियो किसी में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस ही रहेगा। अभी मैं आपको लॉन्ग वीडियो में ये क्रिएट करवा दिखा रहा हूँ, तो मैंने उसी का साइज सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ब्लैंक कैनवास ओपन हो चुका है एज यू कैन सी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ऐसी वीडियोस का यूज केस क्या है और किस टाइप की वीडियो आपको बनानी चाहिए। तो देखो, आप ऐसी वीडियोस किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बना सकते हो, बच्चों के लिए जैसे फ्रूट नेम्स, अल्फाबेट्स, एनिमल नेम्स, बॉडी पार्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजों के लिए इस टाइप की वीडियोस बन सकती है। इसके अलावा ऐसी वीडियोस के और भी बहुत सारे यूज केसेस है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अभी के लिए हम बनाएंगे डिफरेंट एनिमल नेम्स वाली वीडियो बच्चों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर कोई भी एनिमल नेम सर्च कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया डॉग। अब इसके बाद ग्राफिक में से कोई भी एक डॉग वाला ग्राफिक चूज करके उसे डिजाइन में ऐड कर लेंगे। अब इस ग्राफिक का साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसे थोड़ा साइड में एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने डिजाइन में टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग में क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइप कर देंगे डॉग। आप टेक्स्ट का साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट टाइप, ये सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, और टेक्स्ट की पोजीशन हम थोड़ी साइड में एडजस्ट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको अपने डिजाइन में बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो आप अपने बैकग्राउंड में सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। अब इसके बाद अगर आपको अपने डिजाइन में कुछ और ग्राफिक्स ऐड करने हो, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल पत्ती, स्काई, बर्ड्स, ये सब कुछ आप एलिमेंट्स में जाकर सर्च कर लीजिए और ग्राफिक में से सेलेक्ट करके उसे ऐड करते जाइए और उसे अपने डिजाइन में सेट कर दीजिए, साइज भी एडजस्ट कर लीजिए। ये सब कुछ ऑप्शनल है, अगर आपको करना हो तो ही कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। बस इसके बाद आपको अपने डिजाइन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप देखो ये फाइल अभी MP4 फॉर्मेट में है, यानी कि वीडियो फॉर्मेट में है, लेकिन हमें इसे डाउनलोड करना है या तो JPG में या PNG फॉर्मेट। तो यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर लेंगे एज यू कैन सी। अब किसी तरह फिर और भी पेजेस ऐड कर लेते हैं, तो डुप्लीकेट पेज में क्लिक करके इसके जैसा एक और पेज ऐड हो जाएगा। इसमें हम दूसरा एनिमल ऐड करेंगे, तो ये डॉग को डिलीट कर देंगे और टेक्स्ट को अभी एज इट इज रहने देते हैं। बाकी कोई भी और ग्राफिक हमें नहीं चाहिए तो वो भी हम डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद एलिमेंट्स में जाकर सर्च करेंगे हॉर्स, और यहाँ से एक हॉर्स वाला ग्राफिक भी ऐड कर लेंगे और इसका साइज और पोजीशन थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे एज यू कैन सी। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में डॉग को रिप्लेस करके हम टाइप कर देंगे हॉर्स। अब इसमें कुछ ग्राफिक्स अगर आपको चाहिए तो ऐड कर लीजिए, स्काई, पेड़ पत्तियां, घास, ये सब कुछ। चलो तो अब ये भी रेडी हो चुका है। अब इसे भी हम PNG या JPG फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह आप जितने चाहे उतने एनिमल्स के लिए एक एक करके यहाँ से फाइल डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि एक एक करके सिंगल फाइल ही डाउनलोड करना, ना कि एक साथ, क्योंकि आगे हमें ये सिंगल फाइल से काम आने वाली है नेक्स्ट स्टेप में। चलो तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 4-5 डिजाइन डाउनलोड करके रख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आपको साइड बार में ऐप्स में जाकर सर्च करना है स्पीड पेंट, और यहाँ पर ये ऐप आ जाएगा स्पीड पेंट वाला, इसे आपको ओपन कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे ऊपर आप ये चूज फाइल वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आपको क्लिक करना है और अपनी सबसे फर्स्ट वाली PNG फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्केच ड्यूरेशन चूज करने बोलेगा, तो इसमें आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और मैक्सिमम 20 सेकंड्स तक के ऑप्शंस मिलते हैं।
आपको यहाँ से ड्यूरेशन चूज कर लेना है। यूजुअली आप 20 सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको चूज करना है वो है कलर फिल ड्यूरेशन, मतलब आपको अपनी वीडियो में इमेज में कलर करते हुए कितनी देर तक दिखाना है। तो यूजुअली इसकी ड्यूरेशन हम टोटल ड्यूरेशन से हाफ ही रखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर टोटल स्केच ड्यूरेशन हमने 20 सेकंड चूज किया है तो इसे हम 10 सेकंड पर ही रख लेंगे, और अगर आपने टोटल स्केच ड्यूरेशन 10 सेकंड रखी तो इसे आप 5 सेकंड पर रख सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर, तो अगर आप चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे व्हाइट भी रख सकते हैं, एज इट इज नॉट मैंडेटरी टू चेंज। अब इसके बाद हाथ को ड्रॉ करने वाला स्टाइल भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यू कैन सेलेक्ट वन। इसके बाद ये फेड आउट इफेक्ट आप चाहे तो सेलेक्ट करिए या फिर नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन स्किप दिस ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्केचिंग सीक्वेंस, मतलब आप अपनी वीडियो में सबसे पहले क्या स्केच करते हुए दिखाना चाहते हैं, फिर उसके बाद क्या दिखाना चाहते हैं, और उसके बाद क्या दिखाना चाहते हैं, ये पूरा सीक्वेंस, इन सारी चीजों का सीक्वेंस आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से इमेज का पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सबसे पहले दिखाना है, और फिर एड टू सीक्वेंस में क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद इमेज में फिर से क्लिक करके दूसरा वाला पार्ट सेलेक्ट कीजिए और उसे भी एड टू सीक्वेंस कर दीजिए, वो आपका दूसरा सीक्वेंस हो जाएगा। वैसे ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहे तो इसे सेलेक्ट करिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस ऑप्शन। इसके बाद आपको अपने पेज की ड्यूरेशन भी बढ़ा के 20 सेकंड कर लेनी है, क्योंकि हमारा ओवरऑल स्केच ड्यूरेशन 20 सेकंड ही हमने चूज किया है। हालांकि ये बाद में अपने आप भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आप चाहे तो पहले से भी इसे एडजस्ट कर सकते। बस इसके बाद एनिमेट इमेज पर क्लिक कीजिए और अब ये 20 से 30 सेकंड के अंदर हमारी एनिमेटेड वीडियो को रेडी करके दे देगा। तो ये देखिए अब हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर ये पेज की ड्यूरेशन देख सकते हैं, ये अपने आप 2 सेकंड बढ़ गई है क्योंकि इसने अपने हिसाब से ड्यूरेशन एडजस्ट कर दी है। अब आपको इसका साइज पूरे पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है ताकि वो पूरे पेज में प्रॉपरली फिट हो जाए और कोई भी पार्ट कटे ना, तो उसी हिसाब से आपको इसे पोजिशन कर लेना है। चलिए इसे आप एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो कैसा लगा, है ना मस्त चीज एकदम। अब इसके बाद एड न्यू पेज और फिर से चूज फाइल में क्लिक करके यहाँ पर दूसरी PNG वाली फाइल अपलोड कर दो और सेम प्रोसेस फॉलो करके उसकी भी एनिमेटेड वीडियो जनरेट कर लो। बस इसी तरह आपको एक एक करके सारी PNG फाइल्स अपलोड करके उसकी एनिमेटेड वीडियो जनरेट कर लेनी है और ये पूरी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। चलो तो अब मैंने यहाँ पर सारी वीडियो जनरेट कर ली है, देखते हैं अब ये कैसी लग रही है। तो कैसी लगी दोस्तों, है ना बिल्कुल भौकाल, कमेंट करके जरूर बताना। अब ये तो बात हुई खुद से इमेज बनाना और फिर उसे एनिमेट करने के बारे में, ये पूरी प्रोसेस मैनुअल थी, लेकिन क्या आप एग्जिस्टिंग इमेज के साथ भी ये कर सकते हैं और क्या उसे भी इसी तरह की एनिमेटेड वीडियोस में बनाया जा सकता है? वेल यस एब्सोल्युटली, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ और प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को किसी भी इमेज को ऐसे फॉर्म में क्रिएट करना सीखना है और इसके अलावा इन वीडियोस से एक प्रॉपर एनिमेटेड स्टोरी कैसे बनाना है ये भी जानना है, तो कमेंट कर देना Part 2 और मैं लेके आ जाऊंगा। कम से कम 150 कमेंट्स अगर आएंगे तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग Part 2 ऑफ दिस, जो और भी ज्यादा एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो। चलो तो फाइनली ये वीडियो पूरी तरह बनकर रेडी है, इसे हम MP4 फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये एक ही वीडियो बनकर डाउनलोड होगी, तो अगर अलग अलग फाइल चाहिए तो आपको सिंगल सिंगल फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ये ध्यान जरूर रखना डाउनलोड करने से पहले। और अगर कोई सवाल या इशू हो इसे बनाने में तो यू कैन कॉमेंट और DM मी ऑन Instagram। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।